एबी जानकारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार में लाइब्रेरियन अर्थात पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप लाइब्रेरियन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो इस वीडियो का ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार में हो रहे लाइब्रेरियन की नियुक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही 5वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी शिक्षक की, तो उसी के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होने जा रही है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि जितने भी हाई स्कूल हैं, अगर जो ही उसको इंटर में बदला जाता है तो वहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्षों की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। बिना पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के बिना कोई भी हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल 10+2 में बदला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार जो है आपका 5वें चरण के साथ साथ है जो है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होने जा रही है, उसी के साथ साथ जो है पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली भी प्रारंभ होने जा रही है। एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर स्पष्ट रूप से इसको देख भी सकते हैं। अब चलते हैं पूरी जानकारी की तरफ। की जानकारी क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी या फिर दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर आप इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, पेपर में भी आ चुका है। तो बताना चाहते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुस्तकालय अध्यक्षों की होगी बहाली। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना, राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पदों पर बहाली नियोजन होगी। माना जा रहा है कि इससे संबंधित शेड्यूल शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा। पटना सहित राज्य में 6 जिलों ऐसे हैं जहां पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नियोजन अटक गई थी। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अटकी बहाली का शेड्यूल नियोजन इकाइयों के लिए जारी हो चुका है तो पुस्तकालाध्यक्षों को अटकी बहाली वाले अभ्यर्थियों द्वारा भी शिक्षा विभाग के दरवाजे खटखटाए जाने लगे हैं। ऐसे अभ्यर्थी शुक्रवार को भी शिक्षा विभाग पहुंचे तथा पुस्तकालाध्यक्षों के अटकी बहाली का शेड्यूल जारी करने का आग्रह संबंधित अधिकारियों से किया। विश्वस्त सूत्रों की माने तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 5वें चरण की अटकी बहाली नियोजन का शेड्यूल नियोजन इकाइयों को जारी करने के बाद अब शिक्षा विभाग पुस्तकालय अध्यक्षों की अटकी बहाली के लिए शेड्यूल जारी करने की तैयारी में है। इस पर शिक्षा विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर शेड्यूल को अंतिम रूप देने के बाद उस पर शिक्षा विभाग की स्वीकृति ली जाएगी, इसके बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अब जल्द ही पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होने जा रही है। तो एक बात बताना चाहते हैं कि अगर पुस्तकालय अध्यक्ष संबंधित कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है एबी जानकारी, इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही सब्सक्राइब के साथ जो है इसके बेल आइकॉन को टच अवश्य करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर लाइब्रेरियन के ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 70-33-74-60-30। ध्यान दीजिए 70-33-74-60-30। इस नंबर को सेव करके और लाइब्रेरियन लिख के भेज दीजिएगा तो हम लोग जो है एक दूसरे को जो है जोड़ देंगे, जिससे कि लाइब्रेरियन संबंधित नई नई जानकारी आपको जो है मिलती रहेगी। तो इसी के साथ एक वीडियो हम बंद कर रहे हैं और पुनः एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है सभी जितने भी लाइब्रेरियन हैं सभी लाइब्रेरियन को जो है इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को जानकारी जो है मिल जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।